दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि अब तक इस मामले में 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 8 लोग ऐसे हैं जो पहले भी किसी न किसी केस में आरोपी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कोई शख्स जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बिना किसी धर्म, जाति आदि के भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। मस्जिद में झंडे लगाने की बात पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि इस बात में तथ्य नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात से शुरू हुआ था, बाद में यह मामला बढ़ गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी तो यह बात सही नहीं है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता अफवाहों पर ध्यान न दे।